तो गाइज, अगर आपने किसी के लिए बहुत कुछ किया है और जब आपको जरूरत थी तब उस आदमी ने आपका साथ नहीं दिया है, वो कोई भी हो सकता है, तो आपका साथ नहीं दिया और साथ ही साथ अगर आपने कुछ करने को बोला तो उसने नहीं किया, तो आपको कैसा लगेगा? गुस्सा आएगा ना बहुत ज्यादा, मुझे भी आता है। तो गाइज, मैं इतनी देर से बोल रही हूँ, आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हो तो आप सोच रहे होंगे कि मैं कौन हूँ। तो हेलो गाइज, मैं रुचि, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचिस टैलेंट टिप्स। और गाइज, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं और गुस्सा आने का कारण क्या होता है, हमको गुस्सा क्यों आता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमको गुस्सा आता क्यों है। गुस्सा हमको आता है तनाव की वजह से। अगर हमको कोई हमने किसी का कोई काम किया है और उसने हमारे लिए कुछ नहीं किया है, या फिर हमको जब बहुत ज्यादा उसकी जरूरत रही होगी तब वो नहीं आया तो हमको बहुत गुस्सा आया है, और या फिर और भी रीजन हो सकते हैं बहुत सारे छोटी छोटी बातों पे, कि अगर हमने घर में कुछ मांगा, कुछ डिमांड करा, हमको मौके पे नहीं मिला, मौके पे क्या हमको मना कर दिया गया कि ये तुम्हारे लिए नहीं है। मतलब कि मेन रीजन गुस्से का ये होता है कि हम लोगों के अगर मन का काम नहीं होता है तो हमको गुस्सा आता है, जो कि स्वाभाविक है। लेकिन गुस्सा कितना आता है, बहुत ज्यादा आता है, बहुत कम आता है, और अगर बहुत ज्यादा आता है तो वो तो आप ही के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है ना। तो गुस्सा अगर आता है तो आप क्या करते हो, आप अपनी चीजों को तोड़ फोड़ करते हो, कमरे का दरवाजा बहुत तेज से बंद करते हो, जो भी आपको चीजें आपके आस पास होती हैं, आपके हाथ में होती हैं, आप उनको फेंक देते हो, या फिर आप मारपीट करते हो, लड़ाई करते हो, जोर से चिल्लाते हो, या अगर और किसी को गालियां आती हैं तो वो गालियां देगा। गुस्सा आने का यही कारण होता है, और गुस्सा आने का ये कारण नहीं होता, गुस्सा आने के बाद ये रिएक्शन होता है। तो आप अपने हिसाब से रिएक्शन देते हो कि आप क्या कर सकते हो। आप जिद करके अपनी बात भी मनवाना चाहते हो, घर वाले हो या फिर जहां भी आपको गुस्सा आया है, आप जिद से चिल्ला के, मारपीट करके, आप कैसे भी करके अपनी बात मनवाना चाहते हो या फिर अपनी बात रखना चाहते हो। तो गाइस, अब बात आती है कि गुस्से से होने वाले नुकसान क्या होते हैं। गुस्से से होने वाले बहुत सारे नुकसान होते हैं और वो नुकसान हम ही को झेलने होते हैं। तो अगर आपको गुस्सा आता है, आप किसी भी कोई आपका बहुत खास इंसान है, आपने उसको ऐसा बोल दिया कि वो फिर बाद में बहुत ज्यादा हो जाता है, ना ही उसको आप भूल सकते हो ना ही सामने वाला भूल सकता है। तो गुस्से को काबू करना बहुत जरूरी होता है। और सबसे बड़ी चीज तो ये होती है कि अगर आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है तो इसका मतलब है कि आपको प्रॉब्लम है कोई, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। और अगर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो फिर आपके स्वास्थ्य पे इसका इफेक्ट पड़ेगा। आपको बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको मेंटल प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो गाइस, आपको आपका जो है आप हेल्थ प्रॉब्लम आप तो हो जाती है अगर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो उसकी वजह से। अब आप गुस्से को कैसे कम कर सकते हैं। गुस्से को अगर आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है तो आप उतनी टाइम रिएक्शन ही ना दो, आप 2-4 मिनट 10 मिनट सोच लो, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचो, हो सकता है कि आपको समझ में आ जाए। वैसे मैं जानती हूं कि अगर गुस्सा बहुत ज्यादा आ जाता है तो 2-4 मिनट फिर सोचने का टाइम किसके पास होता है, मेरे पास तो नहीं होता। लेकिन ये है कि मैंने बहुत ज्यादा कंट्रोल किया है। मैं जैसी पहले थी और आज में मुझ में बहुत ज्यादा फर्क आ गया है। मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड थी, मुझे हर छोटी से छोटी बात पे गुस्सा आ जाता था, लेकिन अब मैं नहीं हूं वैसी। बहुत हद तक मैंने परिवर्तन किया है। तो मैंने खुद में कैसे परिवर्तन किया है, मैंने खुद के गुस्से को कैसे कंट्रोल किया। तो गाइज, अगर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो उसका सबसे पहला होता है, पहला सबसे कारण होता है कि आपको बहुत ज्यादा तनाव है, आपको मेंटली स्ट्रेस है, जिसकी वजह से आपको गुस्सा आता है। जैसे हो सकता है कि आप जॉब करते हो और आपकी बॉस ने आपको डांट दिया, तो अब आप अपना गुस्सा बॉस पे तो उतार नहीं सकते हो, आप आके अपने घर पे उतारोगे, मतलब कि अपनी बीवी के ऊपर या फिर अपने हस्बैंड के ऊपर आप गुस्सा उतारते हो। तो वो जब गुस्सा आपने उनके ऊपर ट्रांसफर किया, तो अब आपने अगर अपनी बीवी को डांटा या फिर आप अपने हस्बैंड को चिल्लाती हैं, तो अब वो अपना गुस्सा ट्रांसफर करेंगे बच्चों के ऊपर, बच्चों ने ट्रांसफर किया खिलौनों के ऊपर। तो ये प्रोसेस चलता ही रहता है। तो जैसे हम जिद करते हैं, हम गुस्सा दिखाते हैं, वैसे ही हमारे बच्चे हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे और ज्यादा हमारे बच्चे उग्र होने लगते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमको ही बदलना होगा,
उसके लिए अगर आपको बहुत ज्यादा तनाव हो रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, किसी ने डांट दिया या फिर कुछ हुआ है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। सबसे पहले आप अपनी मांसपेशियां जो है उनको रिलैक्स कर दें। अगर आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं तो बस 5 मिनट के लिए आप कुछ ना करें, ना कुछ सोचें, ना कुछ दिमाग में लाएं, ना कुछ काम करें, हाथों से ही कुछ मत करें और 5 मिनट के लिए बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, तो आपको आई होप कि बहुत ज्यादा आराम आएगा। इसको करने से आपको बहुत ज्यादा आराम आएगा और आपका जो स्ट्रेस लेवल है बहुत कम हो जाएगा। उसके बाद गाइस दूसरा हमारा बहुत ही पुराने जमाने से चलता आ रहा, आपने सुना होगा कि उल्टी गिनती गिनना स्टार्ट कर दो। अगर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो आप या तो उल्टी गिनती गिन सकते हो या तो बस एक ग्लास ठंडा पानी ले लो, और जब आप उल्टी गिनती गिनते हो बस आपको 10 से लेके 1 तक गिनना है। उसके बाद अगर आप गिनती उल्टी गिनती तो आपका गुस्सा बहुत ज्यादा कंट्रोल हो जाएगा और बहुत ज्यादा आप शांत हो जाओगे इतने ही टाइम में। अगर आप ठंडा पानी पीते हो तो उसमें भी इतने टाइम में आप बहुत ज्यादा शांत हो जाओगे और बहुत ज्यादा आपको रिलैक्स होगा, मतलब कि आपको सोचने का थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा, आपका जो दिमाग है उसको थोड़ा सा टाइम मिलेगा जिसके थ्रू आपको बहुत ज्यादा गुस्सा नहीं आएगा। और अगर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो आप जो अपना नुकसान करते हो आप उसको करने से बच भी सकते हो। तो डियर आपको सुनने में थोड़ा सा जरूर अजीब लगेगा, लेकिन ये है कि अगर आप सोचते हो कि मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं बिल्कुल फ्री हूं, मुझे कोई टेंशन ही नहीं है, मैं बिल्कुल आराम से जी रही हूं, तो उससे आपको बहुत हद तक तनाव कम होगा। अगर आप ये बस अपने माइंड में आप अपना माइंड मेकअप कर लो कि मुझे तो कोई टेंशन ही नहीं है, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूं, तो इससे आपको बहुत फर्क पड़ेगा। ये कहने में या सुनने में थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा। और इसके साथ साथ आप कर सकते हो कि अगर आपको बहुत ज्यादा किसी बात पे स्ट्रेस हो गया है तो आप बस 5 मिनट बैठ जाओ और 5 मिनट बैठ के आप आराम से उसके हिसाब से सोचो कि अगर आप वहां होते तो आप कैसा रिएक्शन देते। इससे भी आपको बहुत हद तक फ्री हो जाओगे आप तनाव से, और साथ ही साथ आप अपने गुस्से से भी फ्री हो जाओगे। और गाइज आपने एक चीज तो सुना ही होगा कि हर मर्ज की दवा योग है, तो अगर आप भी आपको भी स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है तो आप उसको योग से ट्राई कर सकते हो। आप अपने गुस्से को योग अगर आप करते हो तो कोई भी आप योग करो और उसमें आप बहुत हद तक फर्क भी महसूस कर सकते हो। तो गाइज आप कर सकते हो अनुलोम विलोम कर सकते हो। अनुलोम विलोम तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, मुझ पे तो बहुत अच्छे से काम किया है। अगर आपको बहुत ज्यादा किसी बात पे गुस्सा आ रहा है, किसी बात पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, तो अनुलोम विलोम इज द बेस्ट ऑप्शन। मुझ पे तो बहुत अच्छे से काम किया है इसमें। और उसके बाद आप कर सकते हो कपालभाति। कपालभाति से भी आपको बहुत ज्यादा बहुत हद तक आराम मिलेगा, आपको जो स्ट्रेस की प्रॉब्लम होती है उसमें नहीं होगी अगर आप कपालभाति करते हो तो उसमें भी। और गाइस एक आपने कहावत सुनी होगी, जैसा मन वैसा तन, तो ये बहुत हद तक सही है। और जैसा खान पान होगा आपका वैसा ही आपका मन होगा, ये भी आपने सुना होगा, तो ये सब बहुत हद तक सही है गाइज। और अगर आप बहुत खाते हो तीखा, बहुत स्पाइसी नॉनवेज, तो ये सब आपको गुस्सा दिलाने में बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिलाएंगे आपको। तो अगर आप अपने खान पान में भी आपको थोड़ा सा चेंजेस करने होंगे। अगर आप नॉनवेज हो तो आप कुछ दिन आप वेज ट्राई करके देख सकते हो, या फिर अगर आप बहुत ज्यादा स्पाइसी खाना खाते हो तो उसको बंद कर दो, थोड़ा सा कम स्पाइस वाला। और बहुत ज्यादा अगर आप खाते हो बाहर खाना, फास्ट फूड, जंक फूड, ये सब अगर आप बहुत ज्यादा लेते हो तो इसको भी आप बंद कर दीजिए, क्योंकि ये सब गुस्सा दिलाने में, तनाव दिलाने में बहुत हेल्प करते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा जो हमारे पुराने दादा और नाना थे वो किसी बात की टेंशन ही नहीं लेते थे, कुछ भी हो जाए उनको टेंशन ही नहीं होता था। तो उसका एक बहुत ही बड़ा कारण ये था कि वो लोग खाना बहुत अच्छा खाते थे, क्योंकि पहले खाना जो भी सब्जियां थी या फिर जो भी थी वो मिलावट नहीं होती थी उसमें और वो शुद्ध होता था, तो उसकी वजह से उनको किसी चीज का स्ट्रेस नहीं होता था, स्ट्रेस लेवल उनका बहुत कम था। और आजकल हर चीज में मिलावट हो गई है, सब कुछ केमिकल वाला हो गया है, तो इससे स्ट्रेस लेवल में भी बहुत फर्क पड़ा है गाइस। तो आप अपने खान पान को भी बहुत सुधारिए, आप बिल्कुल नॉर्मल घर का खाना खाएं, इससे आपको गुस्से में बहुत ज्यादा फर्क होगा।
और उसके बाद आप कर सकते हो, अगर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो आप चुटकुले पढ़ो, चुटकुला बहुत अच्छे से आपका माइंड फ्रेश कर सकते हैं। या फिर आप जो हंसी वाले हंसी मजाक कॉमेडी टाइप के वीडियो होते हैं आप उनको देख सकते हो, वो बहुत हेल्प करेंगे आपको स्ट्रेस से और गुस्से से निकालने के लिए, गुस्सा आपका बहुत हद तक कम कर देंगे। क्योंकि अगर आप हंस लेते हो ना तो सारा जो स्ट्रेस होता है, जो गुस्सा होता है वो निकल जाता है। तो अब मैं ये तो जानती हूं कि अगर आपको गुस्सा आ गया तो आप तुरंत रिएक्शन दे ही दोगे, वो ये सब बाद में समझ में आता है कि हमको ये करना चाहिए था, हमको वो करना चाहिए था। लेकिन गाइज, अगर आप सच में आप बदलना चाहते हो तो उसके लिए आपको बहुत जरूरी है कि आप खुद पे कंट्रोल करें, आप अपने गुस्से पे कंट्रोल करें। क्योंकि गुस्से में आप किसी अपने को ऐसा कुछ बोल देते हो ना कि आप फिर उसको भूल ही नहीं पाते, ना ही आप भूल पाते हो, ना ही कोई और भूल पाता है जिसको आपने बोला होता है। तो गाइज, अगर आप अपनों को खुश रखना चाहते हैं, खुद आप खुश रहना चाहते हैं, तो फिर ट्राई करिए कि गुस्सा बहुत कम आए, बहुत हद तक आए या फिर आए ही नहीं। आप ऐसी सिचुएशन क्रिएट करो कि गुस्सा आए ही नहीं, कम क्या ज्यादा क्या। तो अगर आपको गुस्सा नहीं आता है तो आपकी फैमिली खुश होगी, और आप जो बच्चे होते हैं जो हमसे देखते हैं वही वो करते हैं। तो अगर आप सुधरोगे तो बच्चे भी बहुत अच्छे से सुधरेंगे, जैसा आपको देखेंगे वैसा वो भी वैसे होंगे। तो आप अपने गुस्से पे जरूर कंट्रोल करें। और गाइज, आज का वीडियो बस यहीं तक था। आई होप कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, मेरी बातों ने आप पे कुछ तो असर किया होगा। और गाइज, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और अगर अच्छा लगा हो जरा सा भी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताना। और मुझे ये भी बताना कि आप अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करते हैं, अगर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आया तो आप अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं। और आप अपनी प्लीज ये वाला वीडियो आप अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ भी शेयर कर देना, जिससे कि ये सारे प्रॉफिट और मेरी बातें उन तक भी पहुंच सकें। और गाइस, फिर से मिलूंगी एक ऐसे ही बहुत ही अच्छा और बहुत ही यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।